A, B, C, D and E are members of a family. A is a doctor and wife of a lawyer. ये क्वेश्चन कुछ कुछ फैमिली ट्री बताता है. ये बोलता है कि A, B, C, D and E एक ही फैमिली के अलग अलग मेंबर्स हैं और ये आपस में एक किसी न किसी रिलेशनशिप में है. किस तरीके से रिलेशनशिप में है उसको देखते हैं. A एक डॉक्टर है और एक लॉयर की वाइफ है. तो A is actually wife और ये खुद में एक डॉक्टर है, लेकिन ये किसकी वाइफ है? एक लॉयर की. अब लॉयर साहब कौन है देखते हैं. B is the brother of C and husband of a teacher. ये अलग ही कहानी है. B C का भाई है लेकिन B हस्बैंड है. B हस्बैंड है किसका? एक टीचर का. तो टीचर का हस्बैंड है, यानी कि कोई टीचर है जो कि फीमेल है. अब ये हस्बैंड है तो ऑब्वियसली मेल ही होगा. ये B जो है ये मेल है. B और C आपस में भाई हैं. अभी तक नहीं पता कि C भाई है कि बहन है. C is an engineer and daughter of lawyer. अब C क्या है? C इंजीनियर भी है और एक लॉयर साहब की डॉटर भी है. अब इस पूरे फैमिली ट्री में एक लॉयर साहब पीछे आए थे. ये लॉयर साहब, इनकी ये डॉटर है. ये C जो है ये इनकी डॉटर है और B जो है ये C का ब्रदर था, है ना? ऐसी था B C का ब्रदर था. तो दैट मींस, अच्छा हस्बैंड था ये टीचर का. तो दैट मींस अगर ये सी डॉटर है लॉयर साहब की तो बी बी तो इन्हीं का ऑफस्प्रिंग होना चाहिए. क्वेश्चन में देखते हैं क्या कहता है. विच ऑफ द फॉलोइंग इंफ्लुएंसेस कैन बी डेफिनेटली मेड. पहला डी इज अ लॉयर. डी इज अ लॉयर, डी की इसने नहीं पूरे क्वेश्चन में बात करी नहीं है तो हमें नहीं पता डी लॉयर है. ई इज द टीचर. ई की भी कहीं बात नहीं करी क्वेश्चन में, केवल ए बी और सी की बात करी है. A is the wife of D. A is the wife of D. नहीं, D की बात नहीं करी. A किसी की वाइफ तो है लेकिन किसकी वाइफ है? D की वाइफ है या E की वाइफ है ये हमें नहीं पता. B is the son of A. B कौन है? B is the son of A. हाँ, यही मैं कह रहा था कि B जो है वो C का ब्रदर है और C जो है वो डॉटर है तो इसका तो सन हो ही है ना. A का सन हुआ ना B. तो that means fourth option is the right answer.